कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल आर यू डूइंग गुड। आई एम ऑल्सो गुड। सो आज मैं आपके साथ कोई हॉल वीडियो या कोई रिव्यू वीडियो शेयर नहीं करूँगी। शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंस विद यू सो दैट आप उससे कुछ सीख सकें या अवेयरनेस आ सके आप लोगों में। आप उससे कुछ सीखें, आप उससे अवेयर हों, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर यू। क्योंकि मैं तो उस चीज़ से बच गई, लेकिन कुछ एक लोग ऐसा हो सकता है कि बाय मिस्टेक कोई किस्मत वैसे ही हो फंस जाए। तो बेटर है कि मैंने यही सोचा कि मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। तो आज की जो वीडियो है, जो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं, ये आज मेरा आज का एक्सपीरियंस है मॉर्निंग का। दैट इज़ 13 ऑफ अक्टूबर। 13 ऑफ अक्टूबर का मेरा एक्सपीरियंस है। व्हाट हैपन्स टू टुडे मॉर्निंग ऑन 10:57 आई गॉट अ कॉल फ्रॉम एन रैंडम नंबर, अननोन नंबर, एंड द पर्सन ऑन द अदर साइड दैट वॉज टेकिंग द नेम ऑफ अ वेबसाइट। मैं उस वेबसाइट का नाम नहीं लूँगी। उन्होंने मुझे वेबसाइट के नाम से उन्होंने मुझसे पूछा कि येस, आपने कुछ शॉपिंग की थी? और हाँ, ऑल दो मैं बहुत सारी साइट से शॉपिंग करती रहती हूँ, लेकिन रिसेंटली मैंने उस साइट से सच में शॉपिंग करी थी। तो आई थॉट लाइक हो सकता है कि सब टाइम्स कुछ सर्वे वगैरह कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो शायद उसी के रिगार्डिंग कॉल होगी। तो ठीक है, आई सेड यस, आई परचेज लॉट ऑफ स्टफ्स फ्रॉम योर साइट। तो सडनली ही सेड दैट आपका लकी ड्रॉ निकला है, लकी ड्रॉ में आपको ऐसे ऐसे कार निकली है। आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट कार, क्योंकि उस टाइम पे मैंने उस इंसान की बात को इतना थॉरली नहीं सुना, क्योंकि जैसे ही उसने मुझे कॉल करी और ये कहा तो मैं समझ गई, क्योंकि मुझे पता है कि उस साइट के नाम से इतना बड़ा धोखा कभी भी नहीं हो सकता। ऐसा फ़ोन कॉल मुझे आज से 2 साल पहले भी ऐसा ही फ़ोन कॉल आया था एक अदर वेबसाइट के नाम से। उसमें भी उन्होंने मुझसे यही बोला था लाइक आपका इतना इतना प्राइस निकला है आपको। लेकिन इस कॉल में जो सामने वाला था दैट वाज वेरी वेरी स्टूपिड काइंड ऑफ पर्सन। लेकिन लास्ट टाइम जब मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था, वो पर्सन मुझे लास्ट टाइम एंड तक, कॉल के एंड तक ही वॉज ट्राइंग टू कन्विंस मी दैट हाँ, मैं अपनी डिटेल्स सारी उनके साथ शेयर कर दूँ ताकि मेरे साथ बैंक फ्रॉड हो सके। यही आज मेरे साथ होते होते बचा। हुआ क्या, उन्होंने जब मुझे कॉल करा, उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे आपका लकी ड्रॉ में गाड़ी निकली है। और मैं उनके बोलते ही मैं समझ गई, क्योंकि आजकल फ्रॉड इतने चल रहे हैं कि आप इजीली समझ जाते हैं कि कौन सी कॉल फेक है और कौन सी रियल है। तो उस समय मुझे पता चल गया कि अगर ये इंसान मुझे ऐसे ऐसे बोल रहा है तो आई गेस ठीक है। मैंने उसे बोला कि ठीक है, ओ रियली, मुझे मतलब इट्स वेरी इजी इन दीज डेज, लाइक अगर किसी को कार परचेज करनी है तो जस्ट आप जाके शॉपिंग करिए, लकी ड्रॉ में आपको गाड़ी ईजिली निकल आएगी। और मैं सोचूँ ऐसा, मैंने इतनी भी कौन सी बड़ी शॉपिंग कर ली, मैंने कौन सा कोई हज़ारों में शॉपिंग करी है, बहुत ज़्यादा हाई प्राइस शॉपिंग करी है जिसकी वजह से मुझे लकी ड्रॉ मिल रहा है। तो मैं समझ गई उनके फर्स्ट बोलते ही कि आपको गाड़ी निकली है। ठीक है, मैंने उनसे बोला कि अच्छा, इट्स तो ये तो बहुत ईजी है, अगर किसी को भी गाड़ी खरीदनी है तो आपकी वेबसाइट से शॉपिंग करें और उसको गाड़ी मिल जाएगी। और तो उसने बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ, सच में आपकी गाड़ी निकली है। तो आई सेड नहीं, मेरे पास गाड़ी है ऑलरेडी, आप रहने दीजिए। तो फिर उसने बोला अरे नहीं नहीं सच बोल रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, आप अपना मुझे मोबाइल नंबर शेयर करिए, मैं आपको व्हाट्सएप पे सारी डिटेल्स भेज दूँगा। तो फिर उसके बाद जो वो ज़्यादा कन्विंस करने लगा था मुझे, मैंने उसे साफ कह दिया कि आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए। जैसे ही उसने ये बात सुनी, उसने सडन ऑफ उसने अपना टोन टोटली चेंज कर लिया और बहुत ज़्यादा बदतमीजी में उसने मेरे साथ बात करी। बस फिर तो क्या था, देन मैंने कॉल कट कर दिया। तो इस तरह का एक्सपीरियंस जब मेरे साथ हुआ, तो ये सब एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी ताकि कल को आपको एक कॉल आए तो आप उस कॉल से इतना ज़्यादा इम्प्रेस ना हो जाए या इतने ज़्यादा खुश ना हो जाए कि हाँ मुझे लकी ड्रॉ में गाड़ी निकली है। इतना इजी नहीं होता है क्या, अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं तो आपको गाड़ी निकल आएगी। तो ऐसे फेक कॉल्स में बिल्कुल भी मत आइएगा। वैसे तो आजकल बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स ऐसे आ रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स भी अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि हाँ, जिसके साथ भी फेक कॉल वाला कुछ ऐसा हुआ हो तो वो ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो ऐसी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, वीडियोस को
जो है ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको जो भी एक्सपीरियंस हो, क्योंकि आजकल फ्रॉड बहुत तरह के होते हैं, तो आपको अलग अलग कॉल से बहुत सारे पता चलेगा कि किस तरह के किसके साथ कैसा कैसा फ्रॉड हो रहा है, ताकि कल को आपके साथ ऐसा फ्रॉड ना हुआ, फ्रॉड होते होते आप बच जाएं। लेकिन इसने मेरे से बहुत ज़्यादा बदतमीजी में बात की, तो मुझे पता चल गया कि यस इट्स अ फेक कॉल। सो मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग भी ऐसी कॉल्स से बचें। कभी भी कोई फेक कॉल आए तो उसे समझने की पहले कोशिश करें, एकदम से अपनी कोई भी डिटेल, पर्सनल डिटेल किसी के साथ शेयर ना करें। तो यही मेरा आज का टॉपिक था। आई होप आप इससे कुछ सीखें, इसे जितना ज़्यादा हो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। सो दिस इज़ फॉर टुडे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।